नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लर्निंग प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 माइनस टी, s है 5 नहीं है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए इस क्वेश्चन को, और c नंबर में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है बी नंबर, इसको थोड़ा सा वेट कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा तब हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे बी नंबर का। सी नंबर पहले सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, जो कि हम एक्स्ट्रा मार्क्स में अभी क्वेश्चन देने वाले थे अपने तौर तरीके से, लेकिन ये एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी से ही चलते। तो आपको हम लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये एन लिखने का मतलब ये समझिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही कराया जाएगा 3.3 का। तो क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करना है, सोल्व बाय वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप वगैरह ना दीजिए आप, क्योंकि अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही करा रहे तो एनसीईआरटी चलेंगे। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको सोल्व करना है और वो भी प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अगर हिंदी में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए इसको किन तरीकों से हल किया जा सकता है, देखिए ध्यान से, इनको तीन चार विधि से हल किया जा सकता है। पहला सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, दूसरा इलिमिनेशन विलोपन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चौथा जो है वो है ग्राफिकल विधि, ग्राफ की विधि से, ग्राफ विधि से मैं आपको सोल्व करके दिखलाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी आप प्रतिस्थापन विधि से ही चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी को जरा हम यहाँ लेते हैं, बी नंबर को अभी नहीं लेंगे, एनसीईआरटी में 1, 2, 3 दिया है तो उसे घबराना नहीं है ना। चलिए 3 है तो यहाँ पे आप 3 ही कर लेते तो अच्छा रहता, 2 क्वेश्चन हो गया, ये एनसीईआरटी का 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, और किसका, पहला का है, ये पहला का 3 नंबर क्वेश्चन, तो पहला का 3, ऐसे भी आप लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखेगा। चलिए इसको जूम करते, 3x - y = 3 और समीकरण इसको क्या मान लेते थे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, इसको क्या मानते थे, 9x - 3y = 9, इसको क्या मानते थे, इक्वेशन सेकेंड ना। चलिए हाय, अब इसको करना क्या है, हम बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि सरल करते समय सर्वप्रथम आप y का वैल्यू प्राप्त कीजिए, y का वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है कि 3x - y = 3। अब y का वैल्यू प्राप्त करना है तो ध्यान दीजिए, y का जिसका वैल्यू आपको प्राप्त करना है वो तो पहले प्लस में होना चाहिए, वो तो पहले प्लस में होना चाहिए, यहाँ पर माइनस में, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या y नहीं हो जाएगा प्लस में, यहाँ क्या बच गया 3x बराबर की तरफ प्लस में है ना, इधर तो माइनस। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि ऐसे निकालेंगे y बराबर 3 - 3x, जबकि ये गलत तरीका है, कैसे ये संभव है, ये इधर बराबर की इधर माइनस तक है तो माइनस में है ना, नहीं बराबर समझना, ऐसे कीजिए y को उधर ले जाइए, y माइनस में है प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज का वैल्यू प्राप्त करना है उसका वैल्यू पहले पॉजिटिव होना चाहिए, वो अकेले होना चाहिए y। अब ये क्या बचा है, कुछ बच्चे 3 - 3x लिख दे, कैसे गलत है ना, पहले जो बचा है उसे कॉपी कीजिए ना, क्या बचा है 3x, 3 को इधर लाइए माइनस में हो जाएगा, ये आपका वैल्यू सही है जो कि रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त हुआ है। चलिए अब यहाँ पे क्या फिर करेंगे, y का वैल्यू हमने बताया था रूल में, सेकंड रूल कि y का वैल्यू आप अन्य समीकरण में रखें, तो लिखेंगे यहाँ पे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। चलिए सेकंड में रखते हैं, सेकंड है क्या पर उसे लिखा जाए, तो सेकंड में आपका ये है 9x - 3y इज इक्वल टू 9 ना। चलिए 9x 3 × y, यहाँ है तो y क्या पहुँचो, y का वैल्यू क्या है दोस्त, 3x - 3, अब बराबर सामने बराबर है लिख दो, मतलब हमारे पास नहीं है आपके पास होना चाहिए 9। चलिए यहाँ से वैल्यू ऐसे कर 9x - 3 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 9x। कुछ बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं, -3 में 3x 9x, हाँ 3 3 - 3 3 9 9,
यहाँ ध्यान दो बच्चे, ये माइनस का मल्टीप्लाई सब में होगा, माइनस थ्री का मल्टीप्लाई थ्री एक्स में तो माइनस थ्री नाइन एक्स, माइनस थ्री में माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे, केवल थ्री में माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, माइनस नहीं, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस नाइन होगा इज इक्वल टू नाइन। चलिए यहाँ से नाइन एक्स माइनस कट गया, नाइन इज इक्वल टू नाइन। अब देखिए ऐसा परिस्थिति आ जाए तो नो सोल्यूशन, इसे हल नहीं किया जा सकता है। अब क्या इसमें एक्स का ही वैल्यू नहीं प्राप्त हुआ तो इसे हल नहीं किया जा सकता है। एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन 3.3 में देखिएगा तो आंसर में कुछ इसी तरह का, अब ये चीजें परिस्थिति कैसे आता है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए वेयर एक्स कैन नॉट कैन टेक एनी वैल्यू दैट इज इन्फिनेटली, यानी इसके इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, अब इसके यहां देंगे इनफाइनेटली, इसको याद रखिए अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको हिंदी बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन ना, इसको बोलते हैं इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दैट मींस अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए किसी भी समीकरण को आप बता सकते हैं दो मिनट में कि इसके कई ठो हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, केवल एक ही हल होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए एक 3.1 में एक्सरसाइज है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन ये कोई मायने नहीं रखता है, आपको यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ कहा सकता है कि अभी कुछ नहीं कर सकते, इस समीकरण को बनाने के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता है, यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, कुछ नहीं कहा सकता, तो छोड़ेंगे, नेक्स्ट चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। एस माइनस टी इज इक्वल टू क्या था, s माइनस टी इज इक्वल टू था आपका, वो था 3 और समीकरण 2 क्या था कि s माइनस 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 था ना। देखिए कैसे बनेगा, तो यहां से वैल्यू पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण एक से, हिंदी में समझना चाहेंगे समझ लीजिए, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या बोल रहा है कि यस माइनस टी इज इक्वल टू 3, हम सर बोले सर इससे कोई एक वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, या फिर यस का वैल्यू या फिर टी का, तो यस का वैल्यू प्राप्त करेंगे टी का, चलिए एस का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं यस का, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, कोई दिक्कत नहीं, आप टी का वैल्यू प्राप्त, टी को उधर कर दीजिए एस माइनस 3 आएगा। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, अभी ये रॉ मटेरियल रूप में प्राप्त हुआ, फिर क्या करेंगे बता सकते हैं, पुट द क्या क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, फर्स्ट काम लीजिए तो सेकेंड में ना, सेकेंड वी गेट ना, इसका हिंदी समझेंगे, एक्स का यस का वैल्यू एस का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी एस का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है लिखते हैं, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 ना दोस्त, थोड़ा सा बराबर बनने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यस का वैल्यू हम क्या रखेंगे दोस्तों, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, तो कॉपी कर दिए ना ये, तो चलिए यहाँ से ध्यान देंगे, इसका हम वीटेक एलसीएम 2 3 प्लस टी, ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 में टी का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टी प्लस 3t, बच्चे यहाँ पे 2t का मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, अपॉन 6, यहाँ से दिस इंप्लाई दैट और लिखते हैं या क्यों बराबर LHS RHSN इसीलिए। चलिए यहाँ पे 6 प्लस 2t और 5 3t जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5t अपॉन 6 अपॉन 6, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय 1 लिख सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हिंदी में जाना चाहेंगे तिरछी गुणा करने पर, मल्टी एप्लीकेशन हिंदी में क्या होगा, तिरछी गुणा करने पर ना, तिरछी गुणा करेंगे तो 6 प्लस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले कॉपी करते हैं 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 है ना, इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं पहले, तो 6 प्लस 5t में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया 6 प्लस 5t 36 ना, तो यहाँ से क्या आ गया 5t 36, इसको 6 को उधर भेजेंगे ना राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 5t बराबर क्या हो गया 30, यानी यहाँ से क्या आ गया 6, अब 30 अपॉन 5 6 ही आएगा ना। चलिए अब फिर क्या करेंगे हम लोग,
अन्य समीकरण फिर अभी हमें सर अब तो यहाँ पे एस का वैल्यू प्राप्त हो गया, यहाँ पे टी का वैल्यू प्राप्त हो गया, सर नहीं भाई एस का वैल्यू यहाँ पर क्या प्राप्त, अब तो रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त हुआ है ना, तो सर क्या टी का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एस का वैल्यू नहीं प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल ऑफकोर्स क्यों नहीं हो जाएगा, तो हमें अब यहाँ पे टी का वैल्यू ना तो लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन, अन्य समीकरण में रख लीजिए आप, किस समीकरण से काम लिए थे अभी सेकेंड से ना, फर्स्ट में रख दीजिए फर्स्ट विगेट, चलिए फर्स्ट क्या है एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे नहीं प्राप्त है तो लिख देंगे टी का वैल्यू क्या है सिक्स और ये तो थ्री है ना, थ्री कॉपी कर देंगे तो एस के यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स एस बराबर नाइन हो गया, यहाँ से ये नाइन प्राप्त हो गया ना, अब कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस एस इज इक्वल टू नाइन एंड टी इज इक्वल टू थ्री ना सॉरी सिक्स प्राप्त है सिक्स, अब अपना वैल्यू देखेंगे यहाँ पे सही है कि गलत है तो इसी वैल्यू को जो प्राप्त हुआ क्वेश्चन को में रख देंगे ना, दोनों पक्ष बराबर रहेगा, जैसे एस माइनस टी में एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे नाइन माइनस टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे सिक्स और इक्वल टू थ्री, रह पर थ्री आएगा थ्री बराबर थ्री हो गया यानी मेरा आंसर सही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।